आज की यात्रा में हम चल रहे हैं सांची, जो कि विदिशा से 9 किलोमीटर दूर व भोपाल मुख्य शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। रायसेन जिले में स्थित है तथा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप को हम देखने के लिए चल रहे हैं। हम आ गए हैं सांची और ये वहाँ की पार्किंग है और यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की अपनी और गाड़ी पार्क करके हम आ गए हैं स्तूप के अंदर। स्तूप में ये चैत्य विहार बना हुआ है, चारों तरफ बहुत अच्छी हरियाली है। सामने हमें स्तूप दिखाई दे रहे हैं। स्तूप हम चल पास चलकर देखते हैं कि इनमें क्या है। ये देखिए चारों तरफ मस्त हरियाली है, बहुत ही शांति है यहाँ पर, बहुत ही सुखद अनुभव है। चलिए हम चलते हैं स्तूप के पास। इस स्तूप के चारों तरफ चार तोरण द्वार हैं और इनको मौर्य सम्राट अशोक ने बनाया था, द ग्रेट अशोका जिनको कहा जाता है। चारों तोरण द्वारों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। यहाँ पर लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। चारों तोरण द्वार जो हैं अलग अलग हैं, दिखते एक जैसे हैं लेकिन चारों में अलग अलग विशेषताएं। इन तोरण द्वारों पर भगवान बौद्ध के जीवन से संबंधित सारी, जन्म से लेकर परिनिर्वाण तक सारा वृत्तांत लिखा हुआ, मतलब चित्रों के माध्यम से बताया गया है। सम्राट अशोक जिनकी शादी विदिशा शहर में हुई थी, उनको पत्नी देवी को समर्पित है ये सांची का स्तूप। इन प्रत्येक द्वार पर बौद्ध भगवान की इस तरह की प्रतिमाएं हैं। ये लोग देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, ये छेद में कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे छेद हैं इन स्तूप में। हम कॉरिडोर में आ गए स्तूप के और इन छेद में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके अंदर क्या है, अभी दिख नहीं रहा है। और देखने की कोशिश करते हैं हम कैमरे की मदद से। ये देखिए हमने देखने की कोशिश की है अंदर, शायद ये पानी के आने की कोई व्यवस्था रही होगी जिससे शायद पानी बाहर आता हो या शायद हवा बाहर निकलने के लिए कोई व्यवस्था रही होगी, ये इसलिए ये छेद बने हुए हैं। हम कॉरिडोर में हैं और हम पहले गेट से हमने प्रवेश किया था और ये दूसरे द्वार पर ये दूसरी प्रतिमा स्थापित है। और सारी प्रतिमाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और कुछ खंडित हैं प्रतिमाएं, कुछ ना कुछ भाग उनका खंडित है। ये दूसरे तोरण द्वार के हम बाहर निकल के आ गए हैं। 200 के नोट पर भी सांची का जो नवीन नोट है 200 का, उन पर भी सांची का द्वार बना हुआ है। ये अलग है, इसमें हाथी वगैरह बने हुए हैं। और ये देखते हैं चारों जो मुख्य द्वार हैं ये चारों अलग अलग तरीके हैं। 200 के नोट पर कौन सा द्वार छपा हुआ है ये भी हम बताने जा रहे हैं अभी आपको। इन द्वार में ये हम कॉरिडोर में चल रहे हैं और ये सब लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो छेद बने हुए हैं ये छेद किस लिए बने हुए हैं। ये एक सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन छेद के अंदर क्या है, शायद गर्म हवा या ठंडी हवा जो भी है उनको निकलने की व्यवस्था होगी। ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है, ऊपर एक और कॉरिडोर बना हुआ है लेकिन हम अभी नीचे ही देखते हैं कि नीचे क्या है। ये तीसरा द्वार है, इस तीसरे द्वार पर भी एक और प्रतिमा स्थापित है। और इनके बाहर निकल के देखते हैं इससे कि पीछे साइड क्या है, ये यहाँ से हम देख रहे हैं। ये हम पीछे निकल के देखा तो यहाँ पे एक मंदिर टाइप का बना, एक घर टाइप का बना हुआ है और ये खम्भे बने हुए हैं इनका अलग महत्व। ये खिन्नी का पेड़ है, खिन्नी के पेड़ की ये विशेषता है कि ये में पत्तियाँ हमेशा रहती हैं। ये देखिए इसमें शेर बने हुए हैं, ये लगे हुए हैं, ये तोरण द्वार है। इन हम तीन तोरण द्वार देख चुके हैं। इन तीनों तोरण द्वारों को 200 के नोट पर अंकित नहीं किया गया है, मतलब नहीं छपा हुआ है। जो चौथा जो बचा हुआ है वो तोरण द्वार जो है 200 के नोट पर छपा हुआ है। चलिए हम देखते हैं उसको। अभी हम ऊपर चल रहे हैं, ऊपर के कॉरिडोर पर देख के आते हैं कि ऊपर क्या है सीढ़ियों के माध्यम से। उसके बाद हम दूसरे जो लास्ट वाला तोरण द्वार बचा हुआ है उसके पास जाने की कोशिश करेंगे। इस पर देखने ऊपर आने के बाद बहुत ही अच्छी हवा लगने लगती है, बहुत ही अच्छी मतलब ठंडी ठंडी हवा जो मन को मोह लेती है।
और ये हम पहुंच गए हैं ऊपर। ऊपर भी एक कॉरिडोर बना हुआ है, उस कॉरिडोर से हमने देखने की कोशिश कर रहे हैं ये गेट। और ये सारे खिन्नी के पेड़ लगे हुए हैं, और ये खिन्नी के पेड़ की विशेषता ये होती है, मैं पहले बता चुका हूँ, इनमें पत्तियाँ जो है 12 महीने हरी रहती हैं। ये देखिए चारों तरफ का वातावरण बहुत ही मस्त और बहुत ही शांति, मतलब अगर आपका मन अशांत है तो कभी यहाँ आइए, आप यहाँ आकर आपका मन जो है बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा। बहुत ही रोमांटिक जगह है, बहुत ही शांत जगह है। ये देखिए यहाँ का नज़ारा बहुत ही हरा भरा और बहुत ही अच्छा है। ये अंकल कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं गेट पे, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं जो भी है, क्योंकि वो बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध भगवान के जीवन के पूरा चरित्र है वो दिखाए गए हैं हम यहाँ पे। इस स्तूप के ऊपर कोई लेप लगा हुआ है, हम इस लेप को देख रहे हैं। ये कोई सीमेंट वगैरह से नहीं लगाया गया है, पता नहीं किस चीज़ से लगाया गया है, लेकिन कोई लेप लगा हुआ है ये, और शायद इसको सुरक्षित रखने के लिए, स्तूप को सुरक्षित रखने के लिए नज़रिए से ये लगाया गया है कि स्तूप को हम सुरक्षित रख सकें। ये हमारा एक और गेट है और ऊपर से हम इसको कवर कर रहे हैं। अभी हम कॉरिडोर में हैं, कॉरिडोर और जहाँ से हम आए थे ये वही द्वार है। अभी हम चौथे द्वार पर पहुंचे थे, लेकिन अभी जब हम पे वो अंकल दिख रहे थे वही वो चौथा द्वार है। कॉरिडोर में भी खड़े होकर लोग फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, बहुत ही अच्छी फ़ोटो आते हैं यहाँ पे भी। और ये है हमारा एक और तोरण द्वार जो हमने ऊपर से लिया था हाथी वाला, ये द्वितीय, और वो जो सामने दिख रहा है वो तृतीय है। इस कॉरिडोर में भी घूमते हैं और यहाँ से भी देखते हैं कि स्तूप कैसा दिखता है, वो देखने का अपना एक अलग नज़रिया है। और फिर हम इसके बाद हम उतर आए नीचे, और ये वो चौथा तोरण द्वार जिसके अंदर प्रतिमा स्थापित है, और यही वो द्वार है जो नवीन 200 के नोट पर छपा हुआ है। इधर इसके बाहर से ही वो फ़ोटो क्लिक की गई है और उसको 200 के नोट पर छपा गया। यही वो तोरण द्वार है जो 200 के नोट पर छपा हुआ है। आप इसको मिलाकर स्क्रीनशॉट लेकर आप मैच कर सकते हैं। ये एक भूल भुलैया बनी हुई है इसके सामने। इस भूल भुलैया में मतलब जाते हैं तो ये पता नहीं रहता कि कहाँ से गए कहाँ से नहीं। ये तालाब है जो भरा रहता है, अभी बरसात नहीं हुई है तो पानी नहीं है इसके अंदर। और ये देखिए यहाँ से हम उस द्वार को फिर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस द्वार के पास में ही जो है ब्रेंचें लगी हुई हैं जिन पे कुर्सियाँ लगी हुई हैं, जिन पे बैठ के फ़ोटो क्लिक करवाने का अपना अलग मज़ा है यहाँ पे। और बात अब मतलब इसका जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत अच्छा आता है जिससे फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। और ये इसके ऊपर जो तीन छत्र लगे हुए हैं, तीन छत्रों को हाथ में पकड़ने की कोशिश करते हैं, और ये इस तरह से फ़ोटो क्लिक करवाने के लगभग बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, उसका अपना अलग मज़ा है। यहाँ पे बैठ के पीछे भूल भुलैया को लेते हैं बैकग्राउंड में, तो वो फ़ोटो भी बहुत अच्छे आते हैं। और हम इसके बाद हम आ गए हैं इस ये और बाकी के स्तूप बने हुए हैं, छोटे छोटे स्तूप बने हुए हैं, और ये चारों तरफ हरियाली है। एक सामने वो पत्थर की बाउंड्री दिख रही थी हमें, हम वहाँ जाने की कोशिश करेंगे अभी कि वहाँ पर क्या है। पहले हम ये देख लेते हैं, ये छोटी छोटी से स्तूप बने हुए हैं, ये पता नहीं चल पा रहा है अभी किस चीज़ के हैं, लेकिन शायद कुछ और बौद्ध भिक्षुओं की शायद या बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, कुछ ना कुछ तो रहा होगा महत्व जिस वजह से वो बने हुए हैं। आगे चलते हैं हम, चल ये देखिए बहुत पुराना पत्थर का कुछ बना हुआ दिख रहा है। ये हमारी टीम आगे जा रही है, और ये देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई ऐतिहासिक इमारत के मंदिर के कुछ अवशेष हैं, बहुत पत्थर हैं कि कोई किसी ने नष्ट किए हों इनको, और उनको वापस जो है इन समेटने की कोशिश की गई है। बहुत ही अच्छी कलाकारी और चित्रकारी है इन पत्थरों पर, हर एक पत्थर पर अलग अलग बनी हुई है। और यहाँ पे बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं, हर एक पत्थर पर अलग अलग जो है कलाकारी है, और ऐसा लगता है कि कोई बहुत अच्छा ऐतिहासिक इमारत या ऐतिहासिक मंदिर रहा है होगा जो को नष्ट किया गया है, और उसके अवशेष यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये बहुत ही अच्छी जगह लग रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके हमें भी। आप भी आइए, बहुत सुखद आनंद मिलेगा। ये जो सामने हमें दिख रहा है एक इधर पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये है इसमें बौद्ध भगवान की एक मूर्ति स्थापित है, और पास में और भी छोटे छोटे से जो हैं वो शायद उनके रहने की व्यवस्था रही होगी कुछ। आगे चलते हैं हम ऐतिहासिक नगरी में,
आगे ये दिखने आए कि आगे सामने कैंटीन है और यहाँ से ये चारों तरफ की हरियाली जो है वो बहुत अच्छी दिखती है। सामने कैंटीन खाने की व्यवस्था थी, यहाँ पे लोग आके फ़ोटो क्लिक करा देते हैं, सेल्फी पॉइंट है ये, और यहाँ पे पीछे हरा भरा रहता है तो लोग अक्सर यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। हमने भी यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाई है। और फिर इसके बाद यहाँ के ये वॉशरूम है, यहाँ पे मतलब फ्रेश होने की व्यवस्था है, आपको मुँह हाथ धोना हो या कुछ भी करना हो तो वो व्यवस्था है। और ये देखिए बहुत ही हरा भरा माहौल है जिसके बैकग्राउंड में लेकर अक्सर लोग फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। हम सेल्फी पॉइंट से ही आपको लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बना हुआ है कैंटीन जहाँ पे समोसा पेटिस वगैरह मिलती हैं। अब हम आ गए हैं जू पर, ये छोटा सा चिड़ियाघर है जो स्तूप के पास ही बना हुआ है। देखिए बैकग्राउंड में यहाँ पे वो स्तूप दिख रहा है, वो पीछे है ना। तो हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या है इस चिड़ियाघर में। देखिए खरगोश है और कबूतर है। और हम आगे चलते हैं, आगे देखने की कोशिश करते हैं कि आगे और क्या क्या है। तो हम आ गए हैं इसमें, ये देखिए बतख भी हैं इसमें कुछ, और छोटे छोटे से पानी भरे हुए हैं जो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ से देखने में ये बहुत ही अच्छा है, लोग इनको देखते हैं और इनको कुछ कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, वो भी डालते हैं। इन ये क्या कर रहे हैं, इनकी क्रियाकलापों को देखकर भी बहुत आनंद मिलता है, मन को शांति मिलती है। ये देखिए ये खरगोश है, इसको पानी पीते हुए देखना ये अपने आप में एक सुखद आनंद है। जो शांति जिसकी तलाश करते हैं लोग वो यहीं मिलती है। चलिए ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जो लेके आए हैं वो खाना, वो इनको खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरीके से खाते हैं। अभी शायद नहीं मान रहे हैं वो उनको, वो अपने काम में लगे हुए हैं शायद, इसलिए वो भाग और गए हैं। और ये देखिए पक्षी अपने काम में लगे हुए हैं, ये देखिए एक पक्षी युगल है अपने क्रियाकलाप में व्यस्त है। इनको जो पक्षी है ये जोड़ा है, ये अपने कुछ क्रीड़ा में लगा हुआ है। ये एक खरगोश है, ये अपने पानी में, देखिए अब आ गए हैं। अब इनको खाना खिलाने की, पहले भी भाग गए थे, अब इनको कुछ पत्तियां वगैरह लेके आए हैं क्योंकि उनको खाना तो पसंद नहीं है, उनको पत्तियां पसंद है, इसलिए वो पत्तियां खाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग खिला रहे हैं देखिए, और वो पत्तियां खा रहे हैं, ये अपने आप में एक सुखद अनुभव होता है। ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे से दो पैर पर खड़े होकर खा रहे हैं वो, ये देखिए। और ये लोग भी खा रहे हैं और यहाँ पर फ़ोटो भी क्लिक कर रहे हैं ये लोग। ये अब सारे इकट्ठे हो जाते हैं जब कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए लोग फ़ोटो भी क्लिक करते हैं यहाँ पे खड़े होकर। और ये देखिए भाग रहे हैं खरगोश, बतख भी आ रहे हैं और सारे जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं पक्षी। ये देखिए वो खरगोश भी तेज़ी से दौड़ता हुआ आ गया है यहाँ पे। ये देखिए ये बतख आ गई हैं यहाँ पे खिला रहे हैं, इसलिए देखिए बतख ने भी घास खा रही हैं, उनको घास लेके आए हैं। पत्तियाँ खरगोश खा रहे थे, बतख घास खा रही हैं। और सारे बतख पर खरगोश सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे। पक्षी ज़रूर दाना खाते हैं, कबूतर उनके लिए दाने की व्यवस्था हो तो दाने लेके आते, तो पक्षी भी आती हैं, बतख खा रहे हैं। जितने लोग जितने भी बतख खरगोश हैं लगभग सभी इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे। चलिए हम अब यहाँ से चलते हैं क्योंकि हमें जू अकेला नहीं दिखाना है, हमें वीडियो में पूरा कवर करना है। ये स्तूप है जो दिख रहा है सामने और ये चैत्य विहार मंदिर। हम अब यहाँ से स्तूप के बाहर से दो नीचे और स्तूप हैं उनको हमने वीडियो में कवर नहीं किया है। ये हमारी टीम अब वापस जाती हुई अपने बाहर निकलती हुई है यहाँ से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बाहर क्या है। ये देखिए बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, कंदमूल फल जैसे, जैसे रामचंद्र जी ने खाए थे उस कंदमूल जैसे आकृति की बैठने की व्यवस्था है। अब हम आ गए हैं इस मंदिर के पास जो बाहर बना हुआ है। मंदिर के पास जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं मंदिर में क्या है। मंदिर बंद है अभी, लेकिन फिर भी हम उसके पास से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से मंदिर बना हुआ है। इस पर लिखा है नमो बुद्धाय, चैत्यगिरि विहार है ये। और ये लोग यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, हमारी टीम के लोगों ने भी यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाया। और ये मंदिर देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही एक अलग ध्वज लगा हुआ है, पता नहीं वो किस बात का प्रतीक है,
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जानकारी लोग नहीं थे कुछ भी, तो हमें जानकारी नहीं मिल पाई। चलिए हम वापस चल रहे हैं यहाँ से, और ये हम बाहर निकल रहे हैं स्तूप से। ये सांची रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ पे एक टिकट लगता है जिसका नीचे ही टिकट मिलता है, ऊपर जाकर टिकट नहीं मिलता है। हम नीचे उतरने रहे हैं यहाँ से, और वापस चलते चलते यहाँ पे एक संग्रहालय बना हुआ है ये सामने जस्ट, जिसमें संग्रहालय को भी देख सकते हैं। और ये है एक यहाँ पे एक जैन मंदिर जिसका मान स्तंभ हमें दिखाई दे रहा है। इन मान स्तंभ में 2 जगह प्रतिमा स्थापित हैं, ये यहाँ का एक अलग तरह का मान स्तंभ है। और ये है श्री 1008 शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर ऐसे क्षेत्र सांची, जो कि अभी बंद है। इसलिए हमने एक खिड़की से हम दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। सामने हमें प्रतिमा दिख रही है शीतलनाथ भगवान की, क्योंकि हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर बंद है, तो दोपहर का समय है, तो इस समय में हम खिड़की से दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये खिड़की से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से मंदिर अंदर से होगा, जब खुला होता तो हम आपको अंदर से दर्शन कराते, अभी बंद है यहाँ पे। तो सांची में शीतलनाथ भगवान जो कि 10वें तीर्थंकर हैं दिगंबर जैन संप्रदाय के, आपने वीडियो देखी हमारी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी बताना है इस बारे में तो आप कमेंट कीजिएगा, आप बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। और अगर और लोगों को शेयर करना है और लोगों को ज़रूरत है तो उनको